नाम बताओ एक एक करके। नवीन मुखर्जी। मनोज कुमार। फ्रॉम एक नाम और बताइए। विनीत रावल फ्रॉम आईएसपी। नीता बाप फ्रॉम बोकारो। लो इंटेक लो आउटपुट। डॉक्टर इंद्रनील चौधरी फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी। चिरमय समाजदार फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस। हाँ तो इसके दूसरे आदमी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में कॉलेज फ्रॉम एमटीआई। दूसरा बता चंद्रमोहन चौक सीईटी रांची। भास्कर फ्रॉम स्क्वेस्टर प्लांट। अलोक बेरा फ्रॉम आरएसपी। श्रीयश गोस्वामी फ्रॉम वीएसएल भद्रावती। थैंक यू मायसेल्फ गौतम। सीडीआई सॉरी बोकारो एमटीआई में सीडी जाए। मायसेल्फ गौतम मंडल फ्रॉम दुर्गापुर। सुधाकर सुब्रमण्यम फ्रॉम आरएसपी। पवन गुप्ता राउरकेला। आप अपना कर इंजन बाहर है। गौतम मंडल फ्रॉम दुर्गापुर सिटेंट। अगर आपको स्पीड जाना है के चक्कर में कुछ ये सब खाली हम लोग नीचे नीचे झुको 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 पहले और झुको और झुको और बैंड और बैंड। हाँ अभी बस नी बैंड नहीं करना बस। आराम से पैर फैल रहा है।
सर।
एड्रेस पकड़िए। ऐसे नहीं, बी केयरफुल। पीछे जाओ ना, जब जा रहे हो उसमें बैनर लगा दे यहाँ पे। ना ना पैदल पे। शुक सर। हाँ जी ना, मारिए आप रखते हैं। दादा इज एट 12,500 फीट, ही इज अ फर्स्ट मैन टू रीच हियर। फर्स्ट मैन, इसका सोलर मैन, इसका पहले क्या डंकी आया। सोलर मैन, बाकी सब मैन नहीं थे ना, ही इज द फर्स्ट मैन। इसका बता बेटा, ये बात These are the voyages of spaceship where no man has gone before. Star Trek का आता था ना ऐसे। मन मोर मेघेर संगी उड़े चले दिग दिगंतेर पाने निशिम शून्य श्रावण बर्षण संगीते रिमिझिम 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 मन मोर मेघेर संगी उड़े चले दिग दिगंतेर पाने निशिम शून्य श्रावण बर्षण संगीते रिमिझिम 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 मन मोर हंस बलाकार पाखाय जाय उड़े कोचित कोचित चकित दौड़ित आलोके मन मोर हंस बलाकार पाखाय जाय उड़े कोचित कोचित चकित दौड़ित आलोके झंझन मंदिर बाजाय झंझा रुद्र आनंदे कल 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 मंदिर झरिणी डाक दे प्रलय भाने मन मोर मेघेर संगी उड़े चले दिग दिगंतेर पाने निशिम शून्य श्रावण बर्षण संगीते रिमिझिम 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 वायु बहे पूर्व समुद्र होते उछलो छलो छलो तटिनी तरंगे वायु बहे पूर्व समुद्र होते उछलो छलो छलो तटिनी तरंगे मन मोर धाय तारि मत प्रवाहे तालो तमालय अरण्ये मन मोर धाय तारि मत प्रवाहे तालो तमालय अरण्ये क्षुब्ध शाखार आंदोलने मन मोर मेघेर संगी उड़े चले दिग दिगंतेर पाने निशिम शून्य श्रावण बर्षण संगीते रिमिझिम रिमिझिम रिमिझिम
Thank you.
इसके नीचे ये जो नदी आ रही है उसके साथ उसी के पीछे ये ना अच्छा मैं थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगा ये जो सामने में लाइन को देखा ना सामने जो पहाड़ी एकदम पीछे स्नो कैप पीक्स नहीं ये वाला ये है ये तरवा टॉप हमारे जो जीटीज का पहले जो डोडीताल वाले रूट जाते थे ना यस वो है तरवा टॉप 13,550 स्नो कैप नहीं वो तो ग्रेटर ये तो सामने वाला जहाँ पे बहुत सारे प्रांचीन के बाद सामने वाला ठीक है इधर में ही जो है ये डोडीताल लेक है 10,200 फीट हाइट में अच्छा जस वो जो धरवा टॉप बोले ना उसी के पीछे वहाँ पे हनुमान गंगा ये यहाँ पे बंदर पूंछ रेंज है जो अभी आगे तक दिख रहा था अभी भी ये जो हाइएस्ट है पीछे साइड में अभी दिख नहीं रहा क्लाउड की वजह से ठीक है वहाँ से जो नाला जो आ रहा है ना वो है हनुमान गंगा क्योंकि वो बंदर पूंछ है अंदर पूछे तो वो हनुमान गंगा एंड ठीक उसी के इसके जो रिज जो दिख रहा है उसके बैक साइड लेफ्ट साइड में यमुनोत्री एंड हमारा ये साइड एकदम डार्क हो गया बहुत यहाँ पे अंधेरा हो गया उस साइड में गंगोत्री फिर राइट साइड को केदारनाथ एंड फिर बद्रीनाथ ऐसा ठीक है ये चारों धाम हमारे इस तरह से ठीक है अच्छा अब मैं थोड़ा सा बताऊँगा आप लोगों को पुराने ज़माने में आप लोगों ने सुने भी होंगे महाभारत जब ख़त्म हो गया था राजपाट जो है पांडवों ने क्या कर दिया किसी दूसरे को सपोर्ट करके ठीक है वो लोग हिमालय की ओर चले गए ये तो बचपन में भी हमने किताबों में पढ़ाया ऐसा सुन बोलते हैं वो स्वर्ग से जाने गए वो लोग तो स्वर्ग से जाने मतलब यही हिमालय से ही ठीक है ये जो इधर मैंने एक बंदर पूंछ रेंज है इसके पीछे में है तीन पीक है वहाँ पे हम लोग माउंटेनियर लोग एक्सप्रेस ज्यादा स्वर्ग आर ओनली वन स्वर्ग वहाँ से स्वर्ग रोहिणी नाम ही उसके इसीलिए पड़ा है कि वहाँ से पांडव लोग स्वर्ग से जा रहे थे सुनिए उसके बाद ये लोग क्या हुआ जब आए हिमालय में तो कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे माना है माना विलेज लास्ट विलेज है बॉर्डर ठीक है माना एंड वहाँ पे ना वहाँ से जो है एक ग्लेशियर स्टार्ट हुआ ठीक है वहाँ से बोलते हैं ये लोग गए एंड उधर में एक बोल्डर पे मैंने तो कहीं देखा नहीं बट लेकिन ये तो बहुतों ने देखा है वहाँ पे जो भी लोग टूरिस्ट लोग जो जाते हैं ना बोलते हैं एक पत्थर है बड़ा सा बोल्डर पे ना पैर का छाप है तो बोलते हैं कि वो जो है भीम का है अच्छा अब वो लोग चले इधर से हिमालय में यहाँ पे ना अभी ये नहीं दिख रहा आप लोग मेरे ख्याल से डे वन डे टू ऐसे बता रहे ना द्रौपदी का डांडा बता रहे थे हम लोग वहाँ पे एक पीक है द्रौपदी का डांडा ठीक है डांडा मीन्स पहाड़ अच्छा तो उनका ये बोलना है बोलता है सबसे पहले द्रौपदी एक्सपायरिंग क्योंकि उसको श्राप मिला था उसने अर्जुन के प्रति पार्शियलिटी किया था तो इसलिए बोलता है सबसे पहले वो मरी तो वो पीक का नाम जो है द्रौपदी का डांडा है एंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का उनका ट्रेनिंग सारे कोर्सेज उसी में चलता बेसिक एडवांस सर्च एंड रेस्क्यू MOI मैंने सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स वहीं पर किया था ठीक है वहाँ से बोलते हैं वो लोग चले चलते 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 ये जो बंदर पूछ है ना बंदर पूछ के पास में पहुँचे तो वहाँ पे क्या हुआ बोलते हैं इसको क्या बोलता है भीम को यस तो उस जगह में बोलते हैं हनुमान जी ने बूढ़ा सा बंदर का रूप लिया एंड अपनी पूंछ लंबी कर दी मतलब रास्ते को रास्ते में लेट गया रास्ते में रख दिया
अब ये लोग जा रहे थे, अब क्योंकि ये तो पाप मानता ना, किसी को लांग करके जाना तो बड़ा पाप मानता है। इवन हम लोग जब सोए में बोले ऊपर से लांग करके नहीं जाना चाहिए। तो इसने भीम ने समझा ये शायद ऐसी बंदर है, उसने बोला हे बंदर अपनी पूंछ हटा। तो हनुमान जी ने बोला भाई देखो मैं इतना बूढ़ा हो चला हूँ मैं उठ नहीं पाता, आप ही मेरे पैर मेरे पूंछ को जो है साइड कर दो, साइड कर दो। तो भीम ने सोचा ये वैसे ही है, भीम ने जो है पकड़ के बोलता उसको ना खींचा होगा ये नो हीलिंग नो डोलिंग टसमस नहीं हुआ। फिर उसने पूरी ताकत लगा दी और टसमस नहीं, तब उसको लगा भीम को लगा नहीं भाई ये कोई जो है मतलब शक्ति वाली जो है कोई है भगवान ही हो सकता है। उसने फिर हाथ जोड़ के बोला प्रभु आप जो भी है ना आप पकड़ लीजिए, क्योंकि इतना शक्तिशाली और कोई हो ही नहीं सकता। एक्चुअली इसके पीछे एक सबक या फिर लेसन बोल रही है
ये वाला पकड़ लिया हाँ सर बोलना पड़ेगा ना हाँ वीडियो हो रहा यस और हमारे सर पाल सर को हम लोग बैठते हुए कभी देखे नहीं तो इट्स अ न्यूज़ टू अस नीता मैम हाँ तो ये हम लोग के लिए एक बहुत ही अनयूजुअल साइट था तो इसलिए हम लोग सोचा था कैप्चर कर लेते हैं हाँ दादा ये जूम हो रहा अपने आप गर्मी के कारण वो यही फाउंटेन हमारा ये इसका पीछे जा रहा है वो जो गेस्ट हाउस के पीछे मंडल दा इसी आ रहा है हाँ मंडल दा इज स्टैंडिंग नियर बरसू विलेज इज जस्ट 30 मिनट्स वॉक फ्रॉम हियर This is our base camp. And here yeah. comes along with him. This is Mr. Sunke from CMO. And this is a very refreshing place where you can find a free stream flowing. We just tested this water, which was super, really refreshing. And Mandalda, as usual, at his best. I am refreshed with this water. Yeah, yeah. And recently, just now, Mandalda also refreshed himself with this water and he had this drink also. He is looking fresh as ever. क्योंकि 5 बजे चाय हाजिर रात को सब खाना और गौतम को तो मतलब सुधाकर ने बेटा बेटा करके कितना कर रहे हैं नहीं वो आपने डेली घंटा बोला आगे आगे फिर कभी इधर आएंगे तो आप लोग से मिलने का अगर इंडियन माउंटेनियरिंग वेमेन पिछले 25 मैम फर्स्ट इंडियन वेमेन ये 78 ईयर्स की है सेंटर में और लास्ट टाइम 4 दिन पहले ये पूरा तैयार था वाह इनका इसके साथ एक फोटो लेनी हम लोग सब और इन्होंने पहली इंटरव्यू नंदा देवी जो क्लाइंट किए थे और बहुत सारे एक्सपीडिशन किए हैं बहुत सारे एक्सपीडिशन इन्होंने किए हैं वैसे ही आई हुई थी जो हम लोग Thank you.
अर्जुन हो मूल्य समाधि पद्मश्री अर्जुन अवार्ड फिर और क्या चाहिए एंडिंग मार के नेशनल एडवेंचर अवार्ड हां पद्मश्री अर्जुन अवार्ड हां स्टेजी देंगे सिंगिंग नोरी अवार्ड नेशनल एडवेंचर अवार्ड नेशनल एडवेंचर अवार्ड